जय स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जय स्टूडेंट, हम लोगों ने एक 2020 के जो सेट आए थे सेट को सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। जैसा कि इस जो सेट इससे पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने सेट सॉल्व किए थे उस सेट में हमने बताया था कि अगले पार्ट में हम इसके पूरे अधूरे पार्ट को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आज हम उस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लेके चलते हैं, वहाँ से उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक हमको उम्मीद है आप वीडियो के अंत में देखेंगे तो हम लोग जो है यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, 4 नंबर का पूरा सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँचे थे। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप लोग इस क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है उसी प्रकार आपके जो आपके साथ पढ़ने वाले जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए भी ये क्लास की सेशन ये सेशन जरूरी है। और डियर स्टूडेंट, आज से जो है लगातार आप लोगों के मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लोगे उतनी ज़्यादा 80% 90% आने की आपकी उम्मीद हो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रश्न के एक मॉडल मिल जाता है, आपको प्रश्न सॉल्व कैसे करना, लिखने कैसे रहते हैं। तो चलिए आप लोगों का टाइम को ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है उस तरफ चलते हैं। तो 5वां प्रश्न कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस के वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है तथा इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, समझिएगा, कह रहा एक कोई अवतल लेंस है, चलिए 5 नंबर का क नंबर, ठीक, एक कोई अवतल लेंस है जिसको किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक क्या है 1.5। तो मान लेते हैं N1 बराबर कितना है 1.5 हो गए। फिर कह रहा है इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F1 कितना है भैया 20 सेमी है, ठीक। फिर दोबारा कह रहे हैं कि इसको यदि किसी द्रव में रख दिया जाए, द्रव में डुबो दिया जाए, तो द्रव का अपवर्तनांक दिए हैं 1.6, यानी N2 = कितना है 1.6। तब पूछ रहा है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, पहले सवाल को समझिएगा कि कोई अवतल लेंस है उसको वो जो है किसी एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तब उसकी फोकस दूरी इतनी थी। अब वो क्या कर रहे हैं, उसी अवतल लेंस को द्रव में डुबो दिए, तो द्रव का अपवर्तनांक दिए है कर, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आप फार्मूला जानते हो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला पढ़े थे डियर स्टूडेंट आप लोगों ने, कि किसी भी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में अवतल लेंस के लिए अपवर्तन का जो आपने सूत्र पढ़ा था, वो आपने सूत्र क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा 1/F था, तो यहाँ F1 कर लेंगे, 1/F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/F1 बराबर N-1 था। फिर क्या था आपने पढ़ा होगा 1/R1 - 1/R2, ये अपवर्तन के लिए सूत्र था। अब 1/F1 इसको रख लेते हैं, ठीक, और N का मान, तो यहाँ N के स्थान पे क्या है आप N1 कर लेंगे, तो N1 के स्थान पे कितना है 1.5 माइनस कितना हो जाएगा 1/R1 - 1/R2, ठीक। अब ध्यान से समझिए, 1/F1 कर लिए, अब 1.5 में से 1 घटा दोगे तो 0.5 आ जाएंगे, फिर उसके बाद 1/R1 - 1/R2, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। द्रव में डुबोने पर अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, द्रव में डुबोने पर अपवर्तनांक अपवर्तन के सूत्र से, तब अपवर्तन के सूत्र क्या हो जाएंगे, तो यही जहाँ F1 है तब 1/F2 हो जाएगा, फोकस दूरी बदल जाएगी ये, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। तब के लिए आप कौन सा फार्मूला उपयोग करोगे, किससे, पहले N1 में था तो N1 से N2 में डुबो दिए, N2 में रख दिए, तो प्रकाश किरणें N1 से किस में चली N2 में, तो ये जो आपने N लगाया था वहाँ N1/N कितना आ गया N2 आ गए, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गए, और फिर फार्मूला वही 1/R1 - 1/R2, ध्यान से समझिए, 1/F2 बराबर N1 का मान आप देखिए कितना है
1.5 है। यन टू का मान 1.0 कितना है, 6 है। ठीक, माइनस कितना है, 1 है, बटे आप 1 कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या है, 1/r1 1/r2। डियर गाइज आपको इसको हल करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1.5 का मल्टीप्लाई x करेंगे 1.5, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 आ जाएंगे। तो ये आ गए, और बटे कितना आ गए, 1.6। ठीक, ये भिन्न का आपका घटाना था। फिर क्या, 1/r1 - 1/r2। डियर स्टूडेंट 1/f2 आ गए। अब ध्यान से समझिए, 1.5 में से 1.6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए क्या आएगा, 1/f2 बराबर, यहाँ घटाएंगे तो -0.1 आएगा, पूरे के बटे कितना है, 1.6। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को काट देंगे तो यहाँ पर आपके कितने बच गए डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद क्या बचा, 1/r1 - 1/r2। आप अगर इसको कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो -0.1/1.6 इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको ज्ञात करना है F2 का मान। हम करेंगे क्या, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से। तो डियर स्टूडेंट समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 1/f1 - 1/f2। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो जब समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन और ये दोनों पोर्शन, ये वाले भाग और ये वाले भाग दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, और नहीं तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो 1/f1 का मान है 0.5, फिर क्या है, 1/r1 - 1/r2। ये फिर इसका मान कितना है, 0.1 बटे कितना है, 1.6, और यहाँ 1/r1 - 1/r2। तो ये पूरे भाग कैंसिल हो जाएंगे, ये F2 कहाँ पहुँच गए, नीचे, ये F1 नीचे, F2 बटे कितना आ गया, F1 आ गए, बराबर 0.5, ये भाग ऊपर चला जाएगा गुणे 1.6, और बटे कितना है, 0.1, वो भी माइनस में। तो ये वाले पॉइंट आप यहाँ से काट सकते हैं, ये वाले पॉइंट काटे तो मल्टीप्लाई किसका कर दिए, 10 का, चले F2, F1 का मान, तो F1 का मान कितना है, 20 है। ठीक, बराबर -5 × 16 / कितना है, 10 है, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। ठीक, अब आ गए F2 बराबर 20 - 8/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, F2 बराबर कितना आ गया, -60 सेमी। तो जो पूछ रहा था कि उस माध्यम में फोकस दूरी क्या होगी, तो F2 = कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका जो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, आप इसको इस तरीके से लगाओगे डियर स्टूडेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। तब इसका ख नंबर क्या है, उसको कंटिन्यू पढ़ते हैं हम लोग जरा सा। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है, किसी प्रिज्म के लिए, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, एकदम इजी सा है, सरल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कभी निराश ना होइएगा पेपर देते समय। चलिए तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रिज्म के लिए उस पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन के स्थिति में ज्ञात कीजिए, तो ख नंबर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र पढ़े थे, प्रिज्म में अपवर्तन के सूत्र को निकाले थे, क्या निकाले थे, n बराबर पढ़े थे sin i + क्या पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा sin i + क्या पढ़े थे, sin i + डेल m बटे कितना था, 2 था, फिर साथ में कितना था, sin a/2। आप मिला लीजिएगा, आपने प्रिज्म में अपवर्तन के लिए सूत्र ही निकाला था, प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र ये थे। यदि यहाँ स्थिति मान लिया जाए डियर स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1, आप हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से इसलिए स्टार्ट किए हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो डेरिवेशन होता है, जो ये फार्मूला होता है, आप प्रिज्म में अपवर्तन के सूत्र के लिए ये व्यंजक ज्ञात कर चुके हो, तो इस अब इसको ये ज्ञात कर चुके हो तो
अगर आपको दिक्कतें आती हैं ज्ञात करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी समाधान कर देंगे। अब यदि क्या मानते हैं, यदि प्रिज्म बहुत क्या हो, पतला हो, यदि प्रिज्म क्या हो, बहुत पतला हो, तो पतला होगा तब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो उसी प्रकार साइन आई प्लस डेल एम बटे दो बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस डेल एम बटे दो हो जाएगा। और जो साइन ए बटे दो है वो क्या हो जाएगा, केवल ए बटे दो हो जाएगा। फिर से समझिएगा, यदि प्रिज्म बहुत पतला मान लिया जाएगा तो जो साइन थीटा और थीटा के बराबर, साइन आई प्लस डेल एम बटे दो इसके बराबर, साइन ए बटे दो ए बटे दो के बराबर। तो क्या करते हैं, समीकरण एक में इसका मान ये रखने पर, इसका मान ये रखने पर, तो क्या आ जाएगा, एन बराबर साइन आई प्लस डेल एम बटे दो के स्थान पर क्या रख देंगे, आई प्लस डेल एम बटे दो रख देंगे, और साइन ए बटे दो को क्या रख देंगे, ए बटे दो रख देंगे। तो क्या करेंगे, ये दो का मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, या दो से दो क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो आपके सामने क्या बच गया, यन बराबर आई प्लस डेल एम फिर बटे क्या है, ए है, क्या है, ए है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका करना चाहो तो कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे तो एन इंटू ए आ जाएंगे। पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको लास्ट स्थिति में कहाँ तक ज्ञात करना है, आपको जो है डियर स्टूडेंट, आपने थोड़ी सी मिस्टेक फॉर्मूले हुई है, यहाँ ए रहा करता था, ए प्लस डेल एम बटे दो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ ए हो जाएगा, और ये अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ डेल रहेगा, यहाँ ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एन ए क्या आएगा, एन ए बराबर ए प्लस कितना आ गया, डेल एम, ए को इधर लाते हैं, एन ए ये ए इधर आएगा तो माइनस ए बराबर क्या आ गया, डेल एम। दोनों में ए क्या है, कॉमन है, तो एन माइनस कितना आ गया, एक बराबर कितना आ गया, डेल एम। तो ये है न्यूनतम विचलन, मिनिमम यहाँ, तो न्यूनतम विचलन के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आप सवाल को लगाएंगे तो ये आपका पांचवे का ख नंबर भी समाप्त हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला कह रहा है जो आपका पांचवे का ग नंबर है, ग का दो क्वेश्चन आपको दिया है, एक करना है, तो किसी एक क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो चलिए न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हम बता देते हैं, और जो वो ग्राफ वाला पोर्शन है उसे आप प्रयास कर लीजिएगा बच्चों। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसको भी आपको बता देंगे। चलिए क्या कर रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य। तो सबसे पहले नोट करना है कि क्या दिया है, 5000 इसका तरंग दैर्ध्य दिया गया है। क्या दिया गया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। चलिए तो हम लोग कौन सा कर रहे हैं, पांचवें का ग नंबर का अथवा वाला जो सवाल है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो देखिएगा लैम्डा बराबर कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में बदल देंगे तो 5000 गुणे 10^-5 मीटर। आगे क्या कर रहे हैं, एक तरंग दैर्ध्य 40 वाट के एक प्रकाश वर्णी स्रोत से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होता है, यानी किसी जिस स्रोत से ये तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं उसकी शक्ति कितनी है, 40 वाट है, यानी एक सेकेंड में इतनी किरणें, इतनी तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं। तो फोटॉन की क्या ज्ञात करना है, डियर स्टूडेंट आपके सवाल में पूछ रहा है फोटॉन की क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है, फोटॉन की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो डियर गाइज, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा गया है बोर्ड पेपर में, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। फोटॉन की संख्या n बराबर होता है p अपान ई, क्या होता है, p अपान ई, क्या होता है डियर गाइज,
पी अपान ई होते हैं। अब क्या करेंगे, इस ई को हटाएंगे, ई पता नहीं, ई इक्वल टू होता है एच न्यू, क्या होता है एच न्यू, तो यहाँ हम लोग रख देंगे। तो चलिए क्या आ जाएगा, एन बराबर, ठीक, एन बराबर क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ एन बराबर पी अपान ई, तो आप पी हो गए, ई के स्थान पे क्या रख देंगे एच न्यू। अब न्यू नहीं पता तो न्यू है आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है सी अपान लैम्डा, तो रख दीजिए एन बराबर क्या हो गया पी एच, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ लैम्डा के स्थान, न्यू के स्थान पे सी अपान लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा ऊपर आ गए, तो फार्मूले ये हो गए। अब पी का मान कितना है 40 वाट है, और लैम्डा का मान कितना है 5000 गुड़े 10 घाते माइनस 10 मीटर होना चाहिए, तो गुड़े कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 10 अपान एच, एच का मान एच प्लांक नियतांक होता है, एच का मान होता है 6.62 गुड़े 10 घाते माइनस 34, ये 6.62 गुड़े 10 घाते माइनस 34। सी, सी का भी मान होता है 3 गुड़े 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, तो सी का भी मान रखा जाए 3 गुड़े 10 घाते 8 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। आप इनको हल करोगे तो देखिए 34 से ये 10 टुकड़ जाएंगे, यहाँ 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा, ऊपर क्या बचा है 40 का गुणा 5 से कर दोगे 3 1 4 यानी 4 0 उतार लीजिए 5 4 20 ये हो गए, और नीचे क्या है 6.62 और ये देखिए कितना बचा है गुणे कितना है 3 है और 10 घाते 8 और यहाँ कितना बचा है 24, तो 10 घाते माइनस 24 और प्लस क्या हो गए 8 हो गए। डियर स्टूडेंट आगे क्या करना है, अब 24 में से 8 घटा देंगे 16 आ जाएगा, तो 2000 इतने हैं 3 2 5, उसके बाद क्या करना है 6.62 गुणे कितना है 3 है, इसको हल कर दोगे 24 में से 8 घटा दोगे कितना आ जाएगा 16। अब इसे हल उल करने पर आपके जो आंसर आएंगे डियर स्टूडेंट हल कर नहीं पाएंगे, 10 घाते 20 कितना आएगा 10 घाते 20 फोटॉन प्रति कितना आएगा सेकेंड आएगा, इसे हल करने पर 10 घाते 20 फोटॉन प्रति सेकेंड आएंगे एन का मान, ये आ गया डियर स्टूडेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ये ग का अथवा नंबर था, कौन था अथवा, और ग वाला जो है आपको लगाने के लिए छोड़ दिए। तो डियर स्टूडेंट पांचवें का घ नंबर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन के संलयन के समय विमुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, क्या कह रहे हैं एक किलो हाइड्रोजन के संलयन के समय, 1 किलो हाइड्रोजन के संलयन के समय विमुक्त ऊर्जा, विमुक्त का मतलब होता है उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ये आपका घ नंबर प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट घ नंबर कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ पर एक आपको हिंट देना चाहिए था या आपको याद होने चाहिए थे अवोगाद्रो का मान यानी परमाणुओं की संख्या। तो प्यारे बच्चों जो आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो नाभिकों की संख्या होती है वो होती है 6.023 गुणे 10 घाते 23, तो लिख सकते हैं आप जानकारी के लिए लिख लीजिएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के नाभिक में परमाणुओं की संख्या क्या होती है डियर स्टूडेंट 6.02 गुणे 10 घाते 23। एक बार आप इसको मैच करा लीजिएगा, क्या आपने जो मान लिखे हैं वो आपके सही है, हाँ प्यारे बच्चों ये आपके क्या है सही है। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो आपसे बोले हैं कि 1 किलो में मुक्त होने वाली ऊर्जा, तो 1 किलो में तो हम जानते हैं कि 1 किलो में तो 1 kg 1 किलो में क्या पूछा गया है 1 किलो, हाँ 1 किलो हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त होने वाली ऊर्जा, तो ध्यान दीजिएगा 1 kg संलयन में
उपस्थित ऊर्जा, उपस्थित ऊर्जा, तो उपस्थित ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, या हम कह सकते हैं इसे आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, सॉरी गाइस 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं थोड़ा सा हो जाता है। तो क्या है, 1 kg सल्यन में उपस्थित ऊर्जा किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा डियर गाइस, 1000 के बराबर होगा। आपको ज्ञात क्या करना, मुक्त ऊर्जा ज्ञात करना, तो मुक्त ऊर्जा EN होता है, EN बराबर क्या होता है, नाभिक में परमाणुओं की संख्या, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 1 kg की बात हो रही है, तो 6.02 गुणे 10^23 गुणे कितना उपस्थित होते हैं भैया, 1000 बटे 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 कितना करा आप प्यारे बच्चों, बटे आप पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, 4 होते हैं, वो पूछा है 1 kg, तो आप ध्यान दीजिएगा कितने ना कितने हीलियम होते हैं, 4 होते हैं, तो हम लोग इससे क्या कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं जरा सा, इसे आप हल उल करोगे तो हल करने के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा 39 × 10^26, कितना होता है कि प्यारे बच्चों, 39 × 10^26। वो बोले हैं कि 26, क्या सवाल में क्वेश्चन बोले थे, हाँ तो ये 26 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका हल उल करने के बाद हमने क्या बताया, इसको आप हल करोगे तो हल करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 39 × 10^28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर गाइज ये इस प्रकार आप इसे हल करोगे तो ये आंसर मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों इस सवाल को आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ आपका इस क्रम में अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल है, कहाँ गया, मिल गए, चलो अगला सवाल है हाइड्रोजन, यही सवाल है ना, चलिए तो क्या है सवाल है अंगा नंबर, इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे इजी है, लाइमन और बामर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। 5वें का अंगा नंबर क्या था, अंगा नंबर तो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी के प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्घ्यों का व्यंजक रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए, लाइमन तथा बामर श्रेणी का दीर्घतम तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी मिला जुला के आपको व्यंजक भी लिखना है और अनुपात यानी इन दोनों को भाग भी करना है। किसके लिए चर्चा करेंगे, लाइमन श्रेणी के लिए, किसके लिए, लाइमन श्रेणी के लिए, श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, तो लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य का व्यंजक क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर, आपने क्या पढ़ा होगा, 1/λ बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था, R क्या पढ़े थे, R, R क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, 1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 1 का n² है, क्या आपने यही पढ़ा था डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जी बिल्कुल आप यही पढ़े हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, वो क्या कर रहे हैं कि जहाँ n का मान जो है आप 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं, तो जरा सा हम समझते हैं लाइमन श्रेणी क्या होता है, जब किसी परमाणु, किसी भी परमाणु के उपस्थित, परमाणु के चारों तरफ या किसी भी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऊर्जा पाता है, बाहर से ऊर्जा पाने के पश्चात वह अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे उच्च ऊर्जा में संक्रमण कर जाते हैं। जैसे आप समझिए कि इस कक्षा में उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर ये इस कक्षा में क्या हो जाता है, संक्रमण कर जाता है, तो जब संक्रमण करने के बाद ये ज़्यादा समय यहाँ नहीं रहता
कुछ समय रहने के पश्चात यह पुनः जब अपनी प्रारंभिक कक्षा में लौटने लगता है तो लौटते समय ये कुछ विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उसी की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो 1/λ बराबर आर। तो किससे गए? लाइमन श्रेणी में जो होते हैं वो पहले उच्च ऊर्जा निम्न उच्च ऊर्जा स्तर से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं। प्यारे बच्चों तो फिर से समझिएगा, हमने क्या बताया कि किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, चाहे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, यानी किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से संक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन अगर पहले कक्षा में जाता है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? लाइमन श्रेणी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है? ये होता है, आप n का मान क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो 1/λ बराबर r, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1/2 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसको हल कीजिए, तो 1 का 1 एक बटे कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1, 4 के 4 इसको हल करोगे तो यहाँ आ जाएंगे मिला जुला के, 4 के 4 और 1 के 1, तो 4 माइनस 1/2 कितना आ गए? 4 आ गए। फिर ये r 4 में से 1 घटाए, 3/3 कितना आ गया? 4 आ गया। 1/λ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3r/2 कितना आ गया? 4। ये 1/λ का मान आ गया। आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है तो आप कीजिए क्या, लैम्डा को उधर कर दीजिए, ये नीचे कर दीजिए। लाइमन के लिए चर्चा कर रहे थे तो एल लगा दीजिए, तो ये ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो लैम्डा एल बराबर क्या आ जाएगा? 4/3r, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग किसके लिए निकाल लेंगे डियर गाइज? बामर श्रेणी के लिए। किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए। तो बामर श्रेणी के लिए क्या होता है? केवल यही होता है कि किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो विकिरण किस श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है? बामर श्रेणी के अंतर्गत। तो फार्मूला क्या होगा? 1/λb हो जाएगा बामर, उसके बाद r, फिर क्या है, 1 का स्क्वायर नहीं, यहाँ 1/2 का, दूसरे ऊर्जा स्तर में और किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से। तो n का मान 2 से बड़ा होगा, यानी 3, फिर 4, फिर 5, डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हैं। 1/λb बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ r आ गए, यहाँ 1/2 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ 1/3 रख दीजिए, यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गए r, फिर आ गए 1/4 माइनस 1/2 कितना आ गया? 9। तो आप इनको हल करेंगे तो इनको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? r, 9 1 9 9, 4 1 4 ये आ गए बटे 9, 9 4 36, सॉरी 9 4 कितने आ गए? 36, ये हो गया। अब इसको हल कीजिए तो 9 में से 4 घटाओगे 5 और 5 का मल्टीप्लाई r से कर दोगे, 5r/36, आपको 1/λb, आपको लैम्डा बी का मान चाहिए तो लैम्डा बी ऊपर पहुंच गए बराबर 36 ऊपर गया, 5r नीचे आ गए। तो ये इस प्रकार लैम्डा बी का मान आ गया, समीकरण नंबर 2। आपको दोनों का अनुपात पूछा गया क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे? दोनों का अनुपात, तो समीकरण अनुपात, क्या अनुपात? तो अनुपात में क्या करेंगे? समीकरण 1/2 समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? लैम्डा एल बराबर 4/3r है बटे लैम्डा बी, लैम्डा बी का मान कितना है? 36/5r। तो ये 5r ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, तो लैम्डा एल लैम्डा बी, लैम्डा एल लैम्डा बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 5r ऊपर गए तो 4 × 5r और यहाँ 36 × 3r, r से r कैंसिल, 4 × 4 4 9 36, तो कितने आ गए? ऊपर 5 बचे हैं, 9 3 27, यानी लैम्डा एल लैम्डा बी का अनुपात कितना आ जाएगा? 5/27 या 5/27। तो आप इस क्वेश्चन का आप आंसर मिला सकते हैं, तो आपका आंसर आया है लैम्डा एल अनुपाते लैम्डा बी 5/27। तो डियर गाइज इस प्रकार ये आपका एक खंड समाप्त हो जाता है। अब हम लोग दूसरे खंड की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। खंड यह क्या लास्ट खंड है, इसी खंड से आपको क्वेश्चन नंबर ज़्यादा यानी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो डियर गाइज सबसे पहला सवाल है, एक समांतर प्लेट की क्या कर रहे हैं? हाँ,
कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। क्या करना है? स्थापित करना। स्थापित करने का मतलब आपको व्यंजक इसको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो डियर गाइज, हमने इस फार्मूले का डेरिवेशन अपने लेक्चर के क्लास के दौरान या हमने अपने वीडियो लेक्चर में बता के रखा है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं, जो कि आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसको आप जाके वहाँ से देख सकते हैं या तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराते हैं। 100 माइक्रोफेरेड की एक समांतर प्लेट। तो डियर गाइज, 100 माइक्रोफेरेड की एक क्या है? समांतर प्लेट है, यानी सी दिया है। तो चलिए खंड य का कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर है, ठीक। तो सी बराबर 100 माइक्रोफेरेड 5 नंबर का है ये, तो इसको आप चेंज करोगे तो 100 माइक्रो को फेरेड में, तो 100 × 10⁻⁶ फेरेड आ जाएंगे, ये सी का मान हो गया। आगे क्या कर रहा है? संधारित को 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, अर्थात V का मान आ गया 400 वोल्ट। आगे ध्यान समझिए, क्या करें? यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी का कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें और प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, वो आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, यदि प्लेटों के बीच की दूरी, जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो डी मान लेते हैं, वो डी क्या कर दिया जाए? डी बटे दो कर दिया जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ग्राफ से समझना चाहें, सॉरी डायग्राम से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ऐसे समझिएगा कि दो ठो संधारित्र हैं, दो ठो प्लेटें हैं, इनकी बीच की दूरी क्या है? डी है। एक बार तब धारिता सी है और जब प्लेटों के बीच की दूरी का कर दी जाए, आधी कर दी जाए, यानी ये दूरी डी से आधी कर दी जाए, डी बटे दो कर दी जाए, तब धारिता क्या हो जाएगी? सी डैश हो जाएगी। तब आपको विभवांतर बताना है, तब विभवांतर क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना, तब विभवांतर क्या होगा और संचित ऊर्जा क्या होगा। तब यू भी ज्ञात करना है और विभवांतर यानी वी डैश भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वी डैश ज्ञात करेंगे, तब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो क्या लिखते हैं? जब प्लेटों के बीच की दूरी डी थी, तब धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, समीकरण नंबर 1। और जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई आधी हो, तब धारिता सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जहाँ डी है वहीं डी बटे कितना हो जाएगा? दो ऊपर चले गए तो सी डैश बराबर कितना हो गया? 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो डियर गाइज, ये किसके बराबर है? सी के बराबर। किसके बराबर है? सी। कहाँ से? समीकरण 1 से, यानी सी डैश बराबर 2 × c आ गए। अब आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, सी का मान कितना है 2 × c का मान है 100 × 10⁻⁶, 100 × 2 = 200, तो कितना हो गया? 200 × 10⁻⁶ फैराड। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे वो आपने इसको हल कर लिए। अब क्या पूछा है? तब ये सी डैश का मान आया, किसका मान आया है? सी डैश का मान। आपको क्वेश्चन में क्या पुट अप किया है? आपको जो है वी डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वी डैश का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे? तब, अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच नया विभवांतर। तो डियर स्टूडेंट, प्लेटों के बीच नया विभवांतर कौन है? वी डैश है। आपने फार्मूला पढ़ा है, वी डैश बराबर क्यू बटे वी बराबर क्यू बटे सी होता, तो वी डैश बराबर क्या हो गया? क्यू बटे सी डैश। अब इस क्यू का मान हम लोगों को नहीं पता है, तो क्यू को हम लोग क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। क्यू को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए डियर गाइज, वी डैश बराबर, यहाँ आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? सी इंटू वी, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सी इंटू वी, फिर सी डैश हो जाएंगे।
मान रख देंगे, सी का मान कितना है देखिए, 100 गुणे 10 घाते माइनस 6, वी का मान कितना है 400 है, कितना है 400, और सी डैश, तो सी डैश का मान है 200 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब ये 6 से ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 इक्के 2 दूनी 4, तो ये 200 आ गए, तो वी डैश बराबर कितना आ गया 200 वोल्ट। ये हो गया नया विभवांतर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, दूसरा क्वेश्चन इसी में, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, संचित ऊर्जा U बराबर हाफ सी, क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है डियर गाइज, तो क्या हो जाएगा सी वी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 सी डैश वी डैश का स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा डियर गाइज, क्यों ये सब किए गए, क्योंकि आपको यहाँ दो प्रकार के, एक बार प्लेटों के बीच की दूरी डी थी तब ऊर्जा ये होती, और जब डी 2 हो गए तब ये हो जाती। तो क्या हो गए, आप देखिए 1/2 इनमें कॉमन है, तो क्या आ जाएगा सी वी स्क्वायर, क्या आ जाएंगे सी वी स्क्वायर माइनस सी डैश वी डैश का स्क्वायर, ये हो गए डियर गाइस। आप देखिए अगर आपने फार्मूला नोट किया होगा, तो जो प्लेटों के बीच की जो धारिता सी है वो आपकी वही रही है, जो प्लेटों के बीच की जो धारिता है वो आपकी सी ही रहेगा। तो यहाँ से दोनों में हम लोग चाहो तो सी भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से सी डैश हटाइए और इस लाइन को फिर से चलते हैं, क्या आ गए 1/2 सी कॉमन ले लोगे तो वी स्क्वायर माइनस क्या हो गया वी डैश का स्क्वायर, 1/2 सी का मान तो देखिए कितना है 100 गुणे 10 घाते माइनस 6, और वी स्क्वायर, वी कितना है 400 के, कितना है देखिए वी कितना है 400 का स्क्वायर, और वी डैश कितना है 200 का स्क्वायर। अब इसे हल कीजिए, तो ये 50 × 100 कितना आ गया 50 × 10⁻⁶, 400 का वर्ग करोगे तो 16 इतने आ जाएंगे। ठीक, इनका करोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 4, ठीक ये आ गए 2 × 4 = 0, तो 16 में से इतना घटा दोगे तो 50 × 10⁻⁶, तो 4 × 0 लास्ट में, और 16 में से 4 घटा दोगे 12 आते हैं, ये आ गए डियर स्टूडेंट। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद, हल करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा 6 जूल, कितना आ जाएगा 6 जूल आ जाएंगे। चाहो तो आप देख सकते हैं कैसे 12 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनसे इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 5 = 60, ये और 4 इधर हैं और 1 0 इधर, तो 5 0 हो गए। ठीक, 4 × 1 = 5, 3 × 2 = 5, कितना है 10⁻⁶, तो देखिए डियर स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁶ और उधर 10⁻⁶ कट गए, बराबर 6 जूल आ जाएंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो डियर गाइज इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं, तो छठवें का आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ सवाल को कंटिन्यू करते हैं। आप थोड़ी सी समय दीजिए, क्या कर रहे हैं, इसी का 8वां नंबर है, गॉस के प्रमेय को लिखिए, और अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो डियर गाइज ये भी क्वेश्चन हमने वीडियो लेक्चर में करा रखी है, आपको इसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप जो है इसको जाके वहाँ से देख सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा गाइज, आपको सबसे इजी और सबसे सरल तरीके से बताया गया है लेक्चर के क्लास में, और कैसे पेपर में लिखना है वो भी बताया जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी आप लोग इसको तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा डियर गाइज। चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा, 7वां क्वेश्चन कर रहा है अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, और फिर दो समाच, समाच का मतलब होता है एक ही अक्ष पर रखी दो कुंडलियों, या करा दो परिणालिकाओं के बीच के अन्योन प्रेरकत्व का क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है व्यंजक ज्ञात करना है। उसके साथ साथ आपसे इस सवाल में का इसमें कुछ और क्या कह रहे हैं भैया, ठीक,
तो साथ साथ में कुछ सवालें दी गई हैं, वो भी हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो पाँच नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, अन्योन प्रेरकत्व की क्या करना है, परिभाषा देना है। तो हम लोगों ने एक व्यंजक पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, चलिए जरा सा आपको याद कराते हैं। आप क्या किए थे, एक कुंडली लेते थे, ठीक, उसमें एक जो है क्या लगाते थे, एक कुंडली ले लेते थे और उस कुंडली में आप लोग एक लगा देते थे धारा परिवर्तक, जिससे धारा का मान बढ़ाया जा सकता था और क्या कर सकते थे, घटा सकते थे। फिर क्या होता था, ये आप प्राइमरी कुंडली ले लेते थे, इसी के समीप में एक क्या ले लेते थे, सेकेंडरी कुंडली, जिसे आप लोग द्वितीयक कुंडली कहते हो, क्या कहते हो, जिसे आप लोग द्वितीयक कुंडली कहते हो, और इसमें क्या लगा देते थे, गैल्वेनोमीटर लगा देते थे। अब ध्यान समझिएगा, क्या होता था, जब आप किसी भी प्राथमिक कुंडली में क्या करते थे, धारा प्रवाहित करते थे, क्या करते थे, धारा प्रवाहित करते थे, तो धारा प्रवाहित करने के कारण, अब जब हम लोग इसमें धारा प्रवाहित किए, तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाती थी, आईपी हो जाती थी। फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों, और फेरों की संख्या क्या मान लेते थे, यंती मान लेते थे, यहाँ फेरों की संख्या एनएस हो जाते थे। अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, ये आपका सेकेंडरी है यानी द्वितीयक कुंडली है। जब किसी भी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित होने वाली धारा के मान में हम लोग इसके द्वारा धारा परिवर्तक के द्वारा धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप इससे, इस कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स है, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो जाती है। वो जो धारा होती है इस चुंबकीय फ्लक्स, इसमें उत्पन्न होने वाले या इसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी थ्योरी वहाँ नहीं लिखना है, आपको केवल डायरेक्ट अन्योन प्रेरकत्व को परिभाषा देना है। तो आप अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा एक फार्मूले से दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एम बराबर निकाला गया है एन एस फाई एस इंटू क्या हो गया आई पी, एन एस क्या है, एन एस फाई एस इंटू आई पी, जहाँ यम क्या है, अन्योन प्रेरकत्व है। यम क्या है डियर स्टूडेंट, अन्योन प्रेरकत्व है, क्या है, अन्योन प्रेरकत्व। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, चलिए एन एस क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, और फाई एस क्या है, फाई एस क्या है, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। यदि हम मान ले, यदि क्या मान ले, यदि यहाँ मान ले आई पी बराबर क्या हो, एक हो, एक एम्पियर हो, यदि आई पी बराबर क्या हो, एक एम्पियर हो, तब जो होगा, तब अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा कैसे दिया जा सकता है। यदि कहा जाए, यदि आईपी मतलब प्राथमिक कुंडली, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा एक एम्पियर हो, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा एक एम्पियर हो, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, ये उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर ही क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, एकांक धारा क्या हो, एकांक धारा प्रवाहित हो, तो द्वितीयक कुंडली, तो द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली में या द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या ही क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है, अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है, अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है। डियर स्टूडेंट, ये होता है, क्या हमने बताया, आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या होगी, उसी के बराबर अन्योन प्रेरकत्व होता है। इस प्रकार आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो चलिए ये डायग्राम आप
बना लिए थे तो बना के रखिएगा। इसी में जो उसका दूसरा भाग पूछा है उसके लिए क्या पूछा है, दो लंबी समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो क्या कह रहा है, दो समाक्ष ठीक परिनालिकाओं के बीच क्या पूछा है, अन्योन प्रेरकत्व। ठीक, ये टॉपिक है। ठीक दिए स्टूडेंट, अब हम मानते हैं, समझिए जरा सा। पहली बात, दो समाक्ष प्रणालिका क्या होती है, एक ही अक्ष पर स्थित दोनों प्रणालिका, एक प्रणालिका हो गई, कोई इसी पर दूसरी प्रणालिका ले लेते हैं ऐसे कुछ करके। ठीक दिए गाइस, ये एक प्रणालिका ये हो गई और ये एक प्रणालिका ऐसे कर ली और ये वाले इनको बना लेते हैं। ठीक, ये देखिए दोनों जो ये वाली प्रणालिका, पहले वाली प्रणालिका की लंबाई का मान लीजिएगा L मान लीजिएगा। ठीक, क्या मान लिए प्यारे बच्चों, पहले वाले प्रणालिका की लंबाई क्या मान लिए, N मान लिए, और जो इसमें जो प्रणालिका में जो तार लपेटे गए थे इसमें तार के लपेटों की संख्या क्या मान लिए, N1 मान लिए, क्या मान लिए, N1। और जो ये दूसरे हैं, दूसरे में लपेट तार के लपेटों की संख्या क्या मान लिए, N2 मान लिए। और जो इसका अक्ष है डियर स्टूडेंट, जो इसका एक ही अक्ष है, देखिए ये दोनों प्रणालिकाओं का एक ही अक्ष है, इसे कहते हैं दो समाक्ष प्रणालिकाएँ। क्या कहते हैं, दो समाक्ष प्रणालिकाएँ। तो आप जरा सा अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, ये प्रणालिका ए है, ये प्रणालिका बी है। तो लिखेंगे माना दो प्रणालिका ए व बी हैं। क्या है, ए व बी हैं, जिसकी अक्ष एक ही है, एक्स और क्या नाम दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं, या एक्स और क्या दे सकते हैं, एक्स डैश दे सकते हैं। ठीक, या मानते हैं ए में तार के फेरों की संख्या, तथा मानते हैं ए में फेरों की संख्या कितनी है, N1 है, तथा B में फेरों की संख्या N2 है। क्या है डियर स्टूडेंट, N2 है। अब आगे आप लोग समझिएगा क्या है, हम लोग N मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे पूछ रहा है, या तो एक चीज़ और कर लेते हैं, A में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है। क्या है डियर स्टूडेंट, I1 है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, आपने क्या किया, दो समाक्ष प्रणालिका है। पहले वाले में फेरों की संख्या क्या है, N1 है, दूसरे वाले में फेरों की संख्या क्या है, N2 है। फिर आपने क्या किया, और उसके बाद आपने क्या किया, एक की लंबाई आपने क्या मान के रखा है, L मान के रखा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट, आपने जब पहली प्रणालिका में I1 धारा प्रवाहित किए तो पहली प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मूला B1। और आप जानते हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आप जानते होंगे, μ0 NI/R बताया गया था या L बताया गया था। तो ये इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे, आप चाहो तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, A में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1 है। तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है। B1 बराबर क्या आ जाएगा फार्मूला, चलिए μ0 लगा लिए, फिर फेरों की संख्या N के स्थान पे N1 हो जाएगा, प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो गई, I1 हो गई, और बटे L हो गए, समीकरण नंबर आप क्या बना लिए डियर स्टूडेंट, 1 बना लिए। अब इतना तो आपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अब जब जैसे ही पहले प्रणालिका में धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। तो लिखेंगे द्वितीयक कुंडली से
द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या पढ़े थे? फाई एस। क्या पढ़े थे? फाई एस बराबर। अब आपने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर आपने पढ़ा होगा फार्मूला क्या पढ़े थे? फाई बराबर बी इंटू ए, बी इंटू ए। यहाँ बी के स्थान पर क्या है? बी वन है, इंटू ए हो गए, तो ए हो गए प्यारे बच्चों। अब बी वन का मान समीकरण एक से हम क्या कर देंगे? रख देंगे। तो लिखेंगे क्या रखेंगे? बी वन का मान क्या? बी वन का मान समीकरण एक में रखने, सॉरी समीकरण एक से, ऐसे लिखेगा समीकरण एक से बी वन का मान, बी वन का मान रखने पर। तो चलिए क्या करेंगे? फाई एस है, क्या है? फाई एस बराबर बी वन, बी वन के स्थान पे क्या है? म्यू नाट है, एन वन है, फिर क्या है? आई वन है, बटे क्या है? एल है, इंटू कितना? ए, इंटू क्या है? ए। तो ए क्या है भैया? प्रणालिका, प्रणालिका का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रणालिका का क्षेत्रफल पाई किसकी भैया? आपने क्या लिखा है एक बार फिर से देखिएगा, तो आप प्रणालिका का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये किसके लिए? दूसरी प्रणालिका, तो दूसरी प्रणालिका हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे आप? इसे आप हल करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे? फाई टू ही निकाले हैं ना, अब क्या करेंगे आप? इधर से ध्यान से समझिएगा जरा सा डियर गली, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब क्या करते हैं? ये तो आपने द्वितीयक कुंडली से निकाला है, केवल द्वितीयक कुंडली से निकाला है, पर आपने ये नहीं देखा द्वितीयक कुंडली में तार के फेरों की संख्या एक नहीं बल्कि एन टू है। तो इस बार क्या लिखेंगे? अब इस बार लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के, द्वितीयक कुंडली के एन टू फेरे से, एन टू फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो इस बार का हो जाएगा फाई एस का नाम देना चाहो या तो आप क्या दे देंगे? फाई टू का नाम दे दीजिए, का नाम दे देंगे फाई टू। बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फिर से समझिएगा, अभी आपने फार्मूला लिखा था बी वन इंटू ए, ये एक फेरे के लिए होता है, यहाँ एन टू इंटू बी वन इंटू कितना आ गया? ए। तो डियर स्टूडेंट बी वन इंटू ए का मान यही है, बी वन इंटू ए का मान आप रख दीजिए, क्या आ जाएगा? एन टू इंटू कितना आ जाएगा? चलिए क्या रखेंगे? म्यू नाट एन वन आई वन ठीक अपान एल, ये पाई आर टू स्क्वायर को हम लोग ए ही लिखे रहते हैं, ए को हटा, क्या ए बराबर चाहे ये रख सकते हैं चाहे आप ए ही रखे रहो। अब क्या हो गया जरा सा इसको हम लोग क्रम से करते हैं, तो क्या हो गया? म्यू नाट एन वन इंटू कितना हो गया? एन टू, फिर कौन है? आई वन है, फिर कौन है? अपान एल इंटू कितना हो गया? ए हो गए। तो इस प्रकार द्वितीयक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो ए हो गए। आपको ये चुंबकीय फ्लक्स नहीं ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों अन्योन प्रेरकत्व। अभी हमने अन्योन प्रेरकत्व का फार्मूला बताया था, यम बराबर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स बटे क्या प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? यम बराबर फाई टू अपान आई वन, तो प्राथमिक कुंडली में धारा, तो म्यू नाट फाई टू का मान म्यू नाट एन वन एन टू आई वन इंटू ए बटे का एल इंटू कितना है? आई वन, ये आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो यम बराबर क्या मिल गए? म्यू नाट एन वन एन टू अपान एल इंटू कितना हो गया? ए। तो ये आ गए दो समाच प्रणालिकाओं का स्वप्रेरकत्व, जहाँ एन वन एन टू का है फेरों की संख्या है, ए क्या है क्षेत्रफल है, और एल क्या है द्वितीय कुंडली का सॉरी प्राथमिक कुंडली की लंबाई है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार दो समाच प्रणालिकाओं के बीच का अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक क्या करते हैं हम लोग? प्राप्त करते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए डियर गाइस, इसी से रिलेटेड इसी में एक क्वेश्चन और पुट अप किया है, तो आप कभी भी क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाइएगा मत, ना तो डरिएगा ठीक, नहीं तो क्वेश्चन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे।
तो आप उस समय कुछ नहीं कर पाओगे। तो सवाल क्या कर रहे हैं, सवाल आपसे कर रहे हैं, इसी में क्वेश्चन और पुट अप किए गए हैं कि दो समाज प्रणालिकाओं के बीच अन्योन इतना था, हाँ अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। कितना है डियर स्टूडेंट, 1.5 हेनरी है। ठीक, आगे कर रहे हैं और इसमें कुंडली में 0.5 सेकंड तक क्या होती है, 0.5 सेकंड तक धारा शून्य से 20 एम्पियर तक का हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों क्या करें, डेल्टा टी यानी 0.5 सेकंड तक, ठीक। और धारा क्या हो जाती है, धारा क्या है भैया ध्यान से समझिएगा, धारा कितना है 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो जाती है, यानी आई बराबर कितना है 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो जाती है। फिर आगे कर रहे हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है और अन्योन प्रेरकत्व का मान दिया है 1.5 हेनरी। क्या दिया गया है, 1.5 हेनरी। तो प्यारे बच्चों ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होगा वो ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, में परिवर्तन यानी आपको क्या ज्ञात करना है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बराबर का हो जाएगा, आपने पढ़ा है यम माइनस यम इंटू डी आई अपान कितना है डी टी। अब ध्यान से समझिए, यम का मान कितना है 1.5, आई का मान कितना है 20 है, डी टी का मान कितना है 0.5। आप ये पॉइंट से काट सकते हैं, तो 15 × 20 बटे कितना है 5, तो 5 × 15 तो 20 × 3 कितना हो गया 60 का हो गया 60। तो ये डेल्टा फाई अपान कितना आ गया, डेल्टा टी यानी जो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला जो परिवर्तन था वो आपके आ गए। तो माइनस 60 क्या आ गए, यहाँ माइनस आप बोल गए थे तो माइनस 60 वोल्ट आ गए। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो जाते हैं पूर्ण रूप से। तो इतना करोगे तब बच्चों 5 नंबर जाके आपको मिलेंगे, डरना नहीं है, बहुत सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट आपका जो 8वां नंबर कर रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फिर एक व्यतिकरण के पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट जो है क्या होती है भैया, पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर किसी व्यतिकरण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक निकालिए, और यदि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 हो तो एक स्लिट को बंद कर देने पर उसके स्थान पर तीव्रता क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए कुछ डायग्राम पहले से बना के रखे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहला प्रश्न पूछा है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब कोई भी किसी एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, क्या हमने बताया, जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित करती हैं, क्या बताया, जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में क्या करती हैं, संचरित करती हैं, तो उनके विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे हमने कहा कि कोई स्रोत हो गया और किसी स्रोत से एक ही आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो एक ही दिशा में क्या हो रही हैं, संचरित हो रही हैं, क्या हो रही हैं, संचरित हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट तो उनके विभिन्न बिंदुओं पर कहीं पर प्रकाश की तीव्रताएं विभिन्न बिंदुओं पर कहीं कहीं पर प्रकाश की तीव्रताएं कम हो जाती हैं, कहीं कहीं पर प्रकाश की तीव्रताएं अधिक हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाती है, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। डियर स्टूडेंट फिर से समझिएगा, हमने क्या बताया, जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो तरंगों के विभिन्न बिंदुओं पर कहीं पर तीव्रता अधिक होती है, कहीं पर तीव्रता कम होती है, तो ये घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। या हम दूसरे वर्ड में बता सकते हैं, किसी भी स्रोत से निकलने वाली एक ही आवृत्ति की दो तरंगे कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो जाती हैं, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं जो आपको अगले पार्ट में पूछा गया है। सबसे पहले हम मानते हैं, माना एक पर्दा है जिसमें S1 और S2 दो छिद्र हैं,
माना एक पर्दा है जिनमें S1 और S2 क्या है, दो छिद्र हैं, और इनकी जो लंबाई है या हम कह दें कि इनकी जो दूरी है वो क्या है, D है। अब इनसे कुछ मीटर की दूरी पर एक दूसरा पर्दा है जिसमें छिद्र नहीं है। अब S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो किसी बिंदु P पर जाके क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। वो बोले हैं कि S1 वाला जो, अब इससे किसी भी एक प्लेट के, किसी एक तरंग के बीच या किसी भी एक तरंग के द्वारा अपनाए गए पथ के बीच एक स्लिट रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एक स्लिट रख देते हैं जिसकी मोटाई क्या है, टी है। तो बताइए इन दोनों तरंगों के द्वारा अपनाए गए जो पथांतर है, अपनाए गए जो तरंगों का जो विस्थापन है उसी का क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग व्यंजक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे जो व्यंजक होगा वो लिखेंगे S1 व S2। आप इतना लिख सकते हो S1 व S2 के बीच का पथांतर। तो पथांतर क्या होता है, तरंगों के द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा अपनाए गए पथों का अंतर ही पथांतर कहलाता है। तो पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, इनके द्वारा अपनाया गया पथ कितना है, S2P है, माइनस इनके द्वारा अपनाया गया पथ क्या है, S1P, और प्लस इसी में इतना मोटाई की स्लिट लगा है, तो N-1 × कितना हो जाएगा, T, ये हो गए। अब क्या करते हैं, S2P माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो S1P, और इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो -N-1 × कितना हो गया, T हो गया। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिएगा, चूँकि S2P - S1P बराबर आपने पढ़ा है दो तरंगों के द्वारा या दो तरंगों का जो पथांतर है आपने उसके लिए व्यंजक पढ़ा है XD अपान कैपिटल D। कैपिटल D क्या होता है, इनके प्लेटों के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो XD अपान कितना हो गया, कैपिटल D। तो ये मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये मान उठा के रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, XD अपान D माइनस N-1 और T। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। या आप यहाँ स्थिति मान लीजिए, चूँकि P व O अत्यंत निकट हैं, अत्यंत क्या है, निकट हैं, अतः पथांतर क्या होगा शून्य होगा। यानी इनके कहने का मतलब है ये P जब इसके निकट होगा तो इसके द्वारा जो अपनाया गया पथ का अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो पथांतर जब शून्य हो गए तो क्या हो गए, XD/D - N-1 × T बराबर क्या हो गया, 0। आप उसको उधर की तरफ कर देंगे तो XD/D बराबर माइनस उधर गए क्या हो गया, प्लस N-1 × T हो गया। आपको X ज्ञात करना है तो D इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, X बराबर क्या आ गया, N-1 × T और इंटू कितना हो गया, कैपिटल D अपान कितना हो गया, small d। तो जो विस्थापन था वो आपके विस्थापन के व्यंजक इस प्रकार क्या हो गए, प्राप्त हो गए डियर स्टूडेंट। इसी में एक प्रश्न पूछा है, यदि प्रकाश की तीव्रता, यदि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता क्या हो, I0 हो, यानी इस केंद्र पर जो है इसकी तीव्रता क्या हो, I0 हो, और पूछ रहे हैं किसी एक स्लिट को बंद कर दें, किसी भी एक पर्दे को बंद कर दें तो इस पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी एक स्लिट को स्विच कर देने पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो I0/ का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो 1/4 भाग घट जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो 8वां क्वेश्चन था वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों 8 नंबर में भी 8वां क्वेश्चन दिया गया, 8वां करके कर दिया है, उसको आप कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आप लोगों के इसके सवाल को भी बता देंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक डायग्राम बनाया गया है और डायग्राम उसको बना लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं,
पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ आरेख खींचिए और इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए और दिए गए परिपथ में दोनों संधि डायोड में प्रत्येक का जो प्रतिरोध है तो इसका प्रतिरोध 50 ओम है, खुद कह रहे हैं ये कितना है 50 ओम है और इसका भी प्रतिरोध 50 ओम है। आगे कह रहे हैं तो हैं तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है तो 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, यानी 200 ओम प्रतिरोध में 200 ओम तो क्वेश्चन, हाँ 200 ओम प्रतिरोध में आपको क्या ज्ञात करना है, प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले वो कहा है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचिए, उसके बाद क्या कर रहा है इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसकी कार्यविधि का उल्लेख कैसे करेंगे या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है तो आपको इसके बारे में पता होगा, जो आपका ये पीएन संधि डायोड होते हैं उनको हम लोग जो है दो रूप में उपयोग करते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होते हैं और अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होते हैं तो हमको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में जानना है। तो पीएन संधि एक ऐसी युक्ति है जिसको हम लोग जो है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को पीएन संधि के आधार पर पीएन संधि की सहायता से किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को पूर्ण रूप से दिष्ट धारा में बदलना ही, किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को पूर्ण रूप से दिष्ट वोल्टेज में बदलना ही क्या कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। फिर से प्यारे बच्चों नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लीजिएगा, जब किसी भी पीएन संधि के माध्यम से या जब किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को पूर्ण रूप से दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार जो उपकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं पूर्ण तरंग पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाते हैं। और इसके जो आपके इसके लिए जो डायग्राम दिए गए हैं आइए हम लोग इस डायग्राम को हल कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा, ये D1 डायोड है, ये क्या है D2 है। तो सबसे पहले अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, तो आप चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के बारे में जानते होंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, जो ये D2 है वो D2 आपका क्या है पश्च अभिनत है, क्या है आपका पश्च अभिनत है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे इनका जो इसका N सिरा है, जो इसका N सिरा है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और जो ये P सिरा है वो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा है, इसलिए आपका क्या है पश्च अभिनत है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई पीएन संधि पश्च दिशी या उत्क्रम अभिनत में होता है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ये बात नोट कर देंगे, लिखेंगे डायोड D2 क्या, डायोड D2 पश्च अभिनत में है, क्या है पश्च अभिनत में है, अतः धारा का प्रवाह नहीं होगा, अतः परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब जो D1 है वो क्या है, D1 अग्र अभिनत में है, क्या है अग्र अभिनत में है, अग्र अभिनत में है, अग्र अभिनत में है, अतः D1 अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कुल प्रतिरोध कितना है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध तो आप इसमें ABCD कुछ मान सकते हैं, ABCD ऐसे मान सकते हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध A से B के बीच में प्रतिरोध कितना है, डायोड D1 का प्रतिरोध कितना है 50 ओम है। ध्यान से समझिएगा कितने ओम है डियर स्टूडेंट, 50 ओम है। उसके साथ साथ आपको अगले का जो प्रतिरोध है वो कितना है, तो देखिए अगले का जो प्रतिरोध है यहाँ कितना है 250 ओम है, कितना है 250 ओम है। फिर डियर स्टूडेंट आगे ध्यान से समझिएगा, फिर आप आए आगे कह रहा है कि इस पूरे परिपथ के दौरान एक प्रतिरोध और पड़ रहा है, वो कितना है 200 ओम है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितने हो गए, जोड़ डालिए तो कितने हो गए 500 ओम, कितने हो गए 500 ओम।
तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध परिपथ का जो कुल प्रतिरोध था 500 ओम हो गया। तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो डियर स्टूडेंट, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई बराबर होता है वी बटे आर। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है और वी कितना है, 6 है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, 500 है। आप इसे डिवाइड करोगे, हल करोगे, तो हल करने पे आपको आंसर मिल जाएंगे 1.2 × 10⁻²। तो डियर स्टूडेंट, आप इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 500 को 5×10⁻²² लिख देंगे, इनको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 6/5×10⁻²। अब भाग दे देंगे तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5×1 एक बचा 5×10 = 10, 1.2×10⁻²। इस प्रकार आपका ये सवाल समाधान कर लोगे तो आप इसे लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोगों का 2020 में जो पेपर कोड था 346XU पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। डियर गाइस, डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम इससे हर क्लास में अंत में कह के जाते हैं कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आप पढ़ेंगे कब, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहोगे। तो प्यारे बच्चों, 15 दिन 20 दिन 25 दिन की पढ़ाई में सब लोग 80% टारगेट कर लेते हैं, तो आप लोगों ने तो इससे पहले बहुत कुछ पढ़ा है। और आप लोग जो है इस क्लास को इतना शेयर कीजिएगा या इसको इतना आप लोग प्यार दीजिएगा कि हम आपके आगे वाले जो और मॉडल पेपर हैं उसको बनाने में और अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।